खबर कोटा से है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा प्रवास पर विज्ञान नगर के इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पहुंचे। ओम बिरला मृत नवजात के परिजनों को ढांढस यहां पर बंधाया। इसके बाद ओम बिरला ने जेकेलॉन अस्पताल का दौरा किया। केंद्र से 3 डॉक्टर्स की टीम जेकेलॉन अस्पताल पहुंची। केंद्र सरकार को डॉक्टर्स की टीम जांच रिपोर्ट सौंपेगी। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फोनलाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ। राजेंद्र, ये खबर मिल रही है सचिन पायलट पहुंचने वाले हैं कोटा, इसके लिए क्या जानकारी आपको मिल रही है? बिल्कुल लवीना, सचिन पायलट आज यहाँ पर पहुंचेंगे। सचिन पायलट के साथ में यहाँ पर उदयलाल आंजना और खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा भी यहाँ पर साथ में पहुंचेंगे। सचिन पायलट का सीधा प्रोग्राम वो हैंगिंग ब्रिज पर, उनका कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद में नवजात शिशु की एक मौत हुई थी विज्ञान नगर में, तो विज्ञान नगर में परिजनों के पास जाएंगे। साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ओम बिरला लगातार उन मृतक परिवारों के घर पे जा रहे हैं, जहाँ पर जिन बच्चों की जेकेलॉन अस्पताल में मृत्यु हुई थी, और लगातार उन परिवारों को ढांढस बंधाने का कार्य कर जा रहा है। ताजा अपडेट जानकारी दे दें आपको कि जहाँ जेकेलॉन अस्पताल के बाहर अभी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, लगातार निगम प्रशासन यहाँ पर सफाई का कार्य करा रहा है, और लगातार यहाँ पर जो पूरा अमली जामा है सब अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से सचिन पायलट आज यहाँ पर पहुंचेंगे, तो सचिन पायलट कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए, और पूरे जो पार्टी सोनिया गांधी ने जो बात कही थी उसके बाद सचिन पायलट का अचानक दौरा बना है। सचिन पायलट इस व्यवस्था की जो जानकारी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी तक भी पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का यहाँ पर आना इस मामले को कहीं ना कहीं शांत करने के लिए भी हो सकता है। लगातार जिस पर इस पर राजनीति हो रही है, इस राजनीति को कहीं ना कहीं थमा जा सके। जी लवीना जी, राजेंद्र, ओम बिरला ने भी अस्पताल का दौरा किया है, सचिन पायलट भी पहुंचने वाले हैं, और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी कोटा में ही है। अब कल भी उन्होंने इस अस्पताल का निरीक्षण किया था, अब सुधार को लेकर क्या आपके पास अपडेट है, किस तरीके से इस पर काम किया जा रहा है? बिल्कुल लवीना, जब यहाँ पर रघु शर्मा यहाँ पर पहुंचे तो रात में हमने यहाँ पर 10 बजे वापस जेकेलॉन अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, तो कहीं ना कहीं जब चिकित्सा मंत्री यहाँ पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं जेकेलॉन अस्पताल में सुधार जरूर हुआ है। लगातार यहाँ पर रात को अगर बात की जाए तो पूरा नर्सिंग स्टाफ मौजूद था, डॉक्टरों की पूरी टीम थी, रेजिडेंट भी पूरी तरह से मुस्तैदी से नजर आए। तो कहीं ना कहीं जब चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे और चिकित्सा विभाग के रघु शर्मा ने खुद जब जानकारी ली और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हालातों में सुधार हुआ है। और ये हालातों में सुधार लगातार, अगर ये चिकित्सा मंत्री पहले भी अगर यहाँ पहुंच जाते तो हो सकता था, मगर लगातार अब जो देर आए दुरुस्त आए वो वाली बात जरूर है, मगर कहीं ना कहीं अब हालातों में सुधार हो रहा है। मगर लगातार अगर बच्चों की मौत की बात करें तो 34 दिनों में अब तक 106 बच्चों की मौत हो गई है। कल रघु शर्मा जैसे ही बाहर निकले दौरा करने के बाद में फिर एक सूचना आई कि एक बच्चे की मौत हो गई है। एक बच्चा 5 महीने का था और एक बच्चा 1.5 साल का था, तो कम से कम बच्चों की लगातार मौत हो रही है। उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार संवेदनशील है और संवेदनशीलता के साथ वो अपना कार्य भी कर रही है। जी राजेंद्र, केंद्र से भी टीम भेजी गई है जांच पड़ताल के लिए, उस जांच रिपोर्ट के लिए आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, जेकेलॉन अस्पताल में अभी जो केंद्र से जो टीम भेजी गई है 3 डॉक्टरों की, और 3 डॉक्टरों की टीम राज्य सरकार के द्वारा भेजी गई है, कुल मिला के 6 डॉक्टर इस पर जांच कर रहे हैं। और अभी जेकेलॉन अस्पताल में ये जांच प्रक्रिया जारी है, लगातार मीडिया को दूर रखा गया है, मीडिया इस पर कोई कवरेज नहीं करे और लगातार वो अपना काम करते रहे सुचारू रूप से। पूरे जेकेलॉन अस्पताल परिसर को एक छावनी की तरह से तब्दील किया कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, एडिशनल SP दिलीप सैनी इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। लगातार यहाँ का जो पुलिस महकमा है, लगातार कमांडो की टीम भी, क्योंकि लगातार BJP इस मामले को आक्रामक रूप दे रही है और लगातार इस पर भारी विरोध भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने भी एहतियात तौर पर अपनी व्यवस्था सुदृढ़ करी है। जी लवीना जी, राजेंद्र, चूंकि ये बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला है बच्चों की मौत का, इसको लेकर लगातार नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अस्पताल के बाहर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? लवीना, अगर यहाँ की बात करना है तो कम से भी कम 2 दर्जन से अधिक पुलिस जवान है, कमांडो की टीम है, आला पुलिस अधिकारी मौजूद है। जो यहाँ पर आसपास की जो तड़ियां लगाई गई है उन तड़ियों को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि पुलिस को अंदेशा है कि कहीं ना कहीं उन तड़ियों पर BJP कार्यकर्ता बैठ सकते हैं, बाद में जब DPCM सचिन पायलट आए तो कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पूरे मामले को देखते हुए एडिशनल SP दिलीप सैनी पूरी नजर बनाए हुए
हुए हैं। दिलीप सैनी कल भी यहाँ पर पूरी तरह मुस्तैद थे और लगातार जिस तरह से ये पूरा मामला हो रहा है, कल भी कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया था और उनको हिरासत में लेने के बाद में गाड़ी में बिठा के कहीं दूर जाके छोड़ा गया। तो कहीं पुलिस कहीं से भी अपना कमजोरी साबित नहीं करना चाहती, क्योंकि लगातार राजस्थान गवर्नमेंट इस पर गिरती चली जा रही है। अगर लगातार यहाँ पर अगर किसी भी तरह का विरोध होता है तो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है। तो लवीना, जिस तरह से अभी जो टीम अंदर जांच कर रही है और लगातार जेके लोन अस्पताल में कल मरीजों को काफी परेशानी आई थी, तो आज पुलिस ने एक नई व्यवस्था की है, चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए और बैरिकेड्स के जरिए जो लोग जेके लोन अस्पताल में अपने बच्चों को दिखाने या बीमार हो गया है उनको जाने दिया जा रहा है, बाकी लोगों को बाहर रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भीड़ पे भी निजात मिले। तो इस तरह से पूरे मामले पर जो नजर बनाए हुए हैं, ये पूरा जो चीज घटनाक्रम है इस पर लगातार बड़े राजनेताओं का ट्वीट आने के बाद में पूरे देश भर में राजस्थान की छवि जरूर खराब हुई है, पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से उठा रही है। राज्य बीजेपी के बड़े नेता लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। कल अमित शाह जोधपुर में कांग्रेस के खिलाफ कोटा जाने की बात कही, अमित शाह ने सीधे सीधे तौर पर अशोक गहलोत पर निशाना साधा कि अगर आप इतने संवेदनशील हैं तो कोटा क्यों नहीं गए। तो लगातार अब सिर्फ इस बात पर प्रयास किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीति थमनी चाहिए और लगातार जो शिशुओं की मौत का मामला है इसको कहीं ना कहीं विराम देना चाहिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज जरूर देखने को आई कि बच्चों की मौत के मामले में राजनीतिक बहुत हुई है, अब इस राजनीति पे कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए। जी लवी जी राजेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत का पूरा मामला है जिसको लेकर राजनीति लगातार गर्माई हुई है और इसी बीच सचिन पायलट दौरा करेंगे और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा यहाँ पर लेंगे। भारी पुलिस जाब्ता जेके लोन अस्पताल के बाहर यहाँ पर तैनात है।